नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उषा माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। मैं नील कुमार गुप्ता, आज इस वीडियो में आप लोगों को कैश में सेल करने की समस्या को दूर करेंगे कि जब भी आप सेल वाउचर के थ्रू कैश में सेल करते हैं उसमें कुछ समस्या आती है। आज उस समस्या को हम दूर करेंगे। जैसे कैश में आप सेल करते हैं तो डायरेक्ट कैश लेजर सेलेक्ट करके और उसको सेल करते हैं तो उसमें पार्टी डिटेल कुछ शो नहीं होता है। सनी इंडिविजुअल जो हमारा कस्टमर होता है उसका पूरा डिटेल शो नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को उस समस्या को दूर करके बताएंगे कैसे इस समस्या का सलूशन क्या है। क्योंकि जब भी अगर कैश में सेल करेंगे और पार्टी डिटेल नहीं रहेगा तो आपको GST रिटर्न दाखिल करने में आपको बहुत समस्या होगी। GST में जाके आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कैश से सेल की समस्या को दूर करना बताएंगे। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। उसके लिए हम टैली प्राइम अपलोड को ओपन कर लिए, वाउचर में गए, वाउचर में जा के अब यहाँ पे हम क्या करें, कैश में सेल करें। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप 12 क्लिक कीजिएगा और यहाँ से प्रोवाइड बाय डिटेल आपको कंपलसरी यस करना है। अगर ये आपका नो रहेगा तो यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे, जैसे कैश पे क्लिक किए, इसको एक्सेप्ट किए तो यहाँ पे देखिए पार्टी डिटेल नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आप 12 क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से यस कर लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। कैश पे इंटर किए, एक्सेप्ट कराए, अब यहाँ पे देखिए दे रहा है पार्टी डिटेल। तो यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते क्या है, डायरेक्ट यहीं पे इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे पार्टी डिटेल पूछ रहा है तो यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे पार्टी का डिटेल क्रिएट करेंगे। जैसे हमारी पार्टी है GS कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, UTER कंप्यूटर, ये ऑलरेडी बता रहा है। तो हम पार्टी नेम चेंज कर रहे हैं माओ कंप्यूटर। ठीक है, अंडर ग्रुप आपका सनी डिविटर होगा। बिल बाय बिल बनाना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं, यस कर सकते हैं। जैसे एक मंथ के लिए हम उधारी दे रहे हैं इनको इंटर। अब यहाँ पे देखिए पार्टी का डिटेल्स, माओ कंप्यूटर कहाँ है, माओ में है। यहाँ पे पार्टी का पूरा डिटेल आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, डिली करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्टी डिटेल में पार्टी का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक्सेप्ट करा दें। एक्सेप्ट कराने के बाद आप एक सेल का लेजर बना लीजिए। सेल का हमने जैसे लेजर बना लिया, आप लोग भी बना लीजिएगा। अब यहाँ पे जाएंगे नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे जाके हम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एक आइटम क्रिएट किया कंप्यूटर, इंटर। क्वान्टिटी 5 पीस सेल कर रहे हैं। अमाउंट जैसे हम इसका कर दें 18,000 रुपये, इंटर इंटर इंटर। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसको नो कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे हमने एक्सेप्ट कराया, ठीक है, अब पेज अप करेंगे। पेज अप करने के बाद अब कंट्रोल पी क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी क्लिक करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सप्लायर है, बायर है, उसका डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैश से, जैसे यहाँ पे बायर जो हमारा कस्टमर है उसका डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो कैसे शो होगा। यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ये सारे वाउचर हम बंद कर दे रहे हैं, सारे ऑप्शन। हमको पार्टी डिटेल में जाने हैं तो बस पार्टी डिटेल का ओपन करेंगे। अब बाकी यहाँ से इंटर क्लिक करके आप बंद कर सकते हैं। जैसे हमने बंद कर दिया, इसमें आप लोगों को सारा यस दिखा रहा है, कुछ ऑप्शन आपको नो करना पड़ेगा। जैसे आपको इसको नो करना पड़ेगा, नो कर दिए और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में जाके इसको भी आपको नो करना पड़ेगा। अब नो कर दिए और कंट्रोल ए कर दें। अब यहाँ पर प्रीव्यू में जाएंगे तो देख सकते हैं कि जो हमारा सप्लायर है, बायर है, उसका देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप कैश से सेल कर सकते हैं सेल वाउचर में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।